नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। बात करेंगे दोस्तों यहां पर डीएड स्पेशल एजुकेशन हेयरिंग इंपेयरमेंट के अपने सेकेंड ईयर के छात्र का, जो आज इंक्लूसिव एजुकेशन का पेपर हुआ था, उस पर आप यहां पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि विभेदित निर्देश समावेशी शिक्षा रणनीतियों का एक हिस्सा है, तो ये बिल्कुल दोस्तों ये आपका हिस्सा है। इसके बाद हम बात करते हैं हितधारकों को संवेदनशील बनाने में समावेशी शिक्षा वातावरण बनाने में मदद करती है, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा जो है एकीकरण, समावेशी शिक्षा जो है इंटीग्रेशन पर के समान होती है, तो भैया ऐसा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। स्थिर प्रयासों को विविध दृष्टिकोण से लाभ नहीं मिलता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद में शिक्षार्थी विविधता यह स्वीकार करती है कि सभी छात्रों की सीखने की जरूरतें और शैलियाँ जो है अद्वितीय हैं, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक छात्र की सीखने की शैलियाँ जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। कह रहा है कि कौन सा पाठ्यक्रम अनुकूलन का प्रकार नहीं है, तो जब आपने पढ़ा होगा तो ये तीनों आपके अनुकूलन के प्रकार थे, एक रूपता जो थी वो अनुकूलन का प्रकार नहीं थी। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को बताने से पहले, भैया आप किस राज्य में हो और किस राज्य के किस जिले से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दीजिए जा करके। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, विशेष शिक्षकों और सामान्य शिक्षकों के बीच सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों बच्चे को सहयोग दिया जाएगा, सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है? तो कहेंगे ये दोनों मिलकर के छात्रों का समर्थन करेंगे और सीखने की जो परिणाम है उसको बढ़ावा देंगे। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो कहते हैं अपना इसका तीसरा क्वेश्चन यहां पर है, भैया थोड़ा इधर उधर हो गया। कहते हैं हितधारकों को संवेदनशील बनाना क्यों महत्वपूर्ण है, जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम संवेदनशील क्यों बनाएं, ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो हम कहते हैं समावेशी प्रथाओं के लिए जागरूक किया जाए और उनमें समर्थन प्रदान किया जाए। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है समावेशन से जुड़ा नहीं है, समानता जुड़ी है, भागीदारी जुड़ी है, पहुंच जुड़ी है, और यहाँ पर आपका जो पृथक्करण है वो समावेशन से जुड़ा नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आपके क्वेश्चंस आज पेपर में आए थे, कैसा हुआ आपका पेपर कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा। और भैया नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है, तो वीडियो को अपने सभी मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके ग्रुप हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है तो आप लोग परेशान है कि सर वीडियो अभी तक आपने क्यों नहीं अपलोड की। तो भैया सभी मित्रों तक झूम करके एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।